असल फ्रेंड्स वेलकम बैक टू आर शायद ब्लॉग्स उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे अपना अपने प्यारों का बहुत ख्याल रख रहे होंगे जी तो आई एम एक और नए एक्साइटिंग ब्लॉग के साथ और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज डू गो क्लिक द तो सब्सक्राइब बटन हिट द बेल आइकन बी अ पार्ट ऑफ आवर तो फैमिली और जिन लोगों ने न्यूली ज्वाइन किया है उनको वेलकम टू आवर चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट ऑल योर लव All your beautiful comments because they definitely mean a lot to me. Okay, thank you so much. मच so, खैर जी आज हम आपको दिखाएंगे अपनी शाम की रूटीन बिकॉज ओबियसली दिन तो सारा ऑफिस में गुजर जाता है आयत का डे केयर में गुजर जाता है सुबह की रूटीन हमारी इतनी हेक्टिक होती है ना कि टाइम नहीं होता कि बंदा व्लॉग कर सके या कुछ बना सके स्पेशली वीक डेज में टू मच हेक्टिक रूटीन होती है जल्दी से सुबह उठ के आयत को तैयार करना आयत को रेडी करना उसके वो कहते हैं ना लवाजमात उस वो भी आंखें खुलती नहीं हैं सबसे पहले ये बोल दिया आई एम हंग्री मामा आई एम हंग्री मैं पहले वॉशरूम से तो हुआ टीप तो ब्रश कर ले उसके बाद बात करेंगे लेकिन खैर जी अब बच्चे ने जाहिर है आठ नौ घंटे सोने के बाद उसने बोलना तो यही है तो उसका ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करना अपना ब्रेकफास्ट लंच ये वो सुबह की रूटीन बहुत एक्टिव होती है कभी कभार मैं लाइव आ जाती हूँ सुबह नाश्ता बनाते हुए लेकिन हो नहीं पाता इसीलिए मैं मोस्टली लाइव तभी आती हूँ जब मैं आद को ड्रॉप कर रही होती हूँ या मैं डे के जा रही होती हूँ या अगर हम गलती से जल्दी उठ जाए तो हम पार्क जा के लाइव आते हैं खैर जी शाम की रूटीन हम ऐसे स्टार्ट करें कि आज मेरा था लास्ट वर्किंग डे इन ऑफिस एम मतलब इन ऑफिस फॉर दिस वीक कल फ्राइडे है तो कल हम करेंगे घर से काम सो so, मेरी गाड़ी में मेरी कोशिश होती है कि मैं थर्सडे तक जो है ना गैस डलवा लूँ गैस हम यहाँ पे पेट्रोल को बोलते हैं ऑब्वियसली आप लोगों के लिए थोड़ा सा डिफरेंट होगा लेकिन यहाँ पे पेट्रोल हो डीज़ल हो कोई चीज़ हो आप उसको बोलते हैं जी हम गाड़ी में गैस डलवा रहे हैं सो so, खैर जी टर्मिनोलॉजीज़ हैं हम भी जब नए नए कैनेडा में आए थे तो हम भी बड़े हैरान परेशान हुए थे इन बातों पर बट दत होगी है सो आप लोगों की नॉलेज के लिए बता दूँ कि गैस पेट्रोल को कहते हैं पेट्रोल हो गया डीजल हो गया वटैवर सो खैर जी मैंने अपनी गाड़ी में गैस सिलवानी है कुछ फ्राइडे को यहाँ पे प्राइसेस जो है ना सारा दिन फ्लक्चुएट होती रहती हैं कुछ कंट्रीज ऐसी होती हैं जहाँ पे पूरा पूरा महीना एक ही प्राइस रहती है लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है यहाँ पर जो है ना प्राइसेस फ्लक्चुएट करती रहती है सुबह डिफरेंट प्राइस होगी शाम को डिफरेंट होगी दिन को डिफरेंट होगी रात को सबसे कम होगी सो वही बात है आधी रात को नींद से उठ के आगे गैस दिलवा लो <laughs> सो खैर जी शाम के टाइम पे प्राइस ऑलमोस्ट कम होना शुरू हो जाती है लेकिन फ्राइडे वाले दिन प्राइस महंगी हो जाती है बिकॉज उनको पता है वीकेंड्स पर लोगों ने बाहर जाना है गैस दिलवानी है तो उस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं सो हम भी सियाणे हैं थर्सडे को गैस दिलवाते <laughs> हो ज्यादा डिफरेंस ना हो कम प्राइस पे मिल जाए तो बड़ी खुशी होती है खैर ये कहते हैं ना हमारी छोटी छोटी खुशियाँ यहाँ पे ये छोटी छोटी स्ट्रगल्स छोटी छोटी खुशियाँ हम तो भाई इन्हीं चीज़ों पे खुश हो जाते हैं आज हमें गैस सस्ती मिल गई आज हमें ग्रोसरी सस्ती मिल गई आज हमें ये चीज़ हो गई आज हमें वो चीज़ होगी यहाँ से सेल लूट ली यहाँ से ये कर लिया यहाँ से वो कर लिया सो so, इन मुल्कों में बड़े वो कहते हैं ना ध्यान से आपको ये चीज़ें ले कर चलनी पड़ती हैं खैर है जी हाँ आप कहेंगे कि क्या बोर कर करिए कुड़ी जो है ना हमें कह रही थी मैं शाम की रूटीन दिखाऊंगी और बातों में लगा दिया लेकिन अब हम आपसे बात नहीं करेंगे तो किससे करेंगे टेल मी यू टेल मी ओके खैर जी बैक टू आर रूटीन सो मैंने फ़ोन किया जी रस्ते में आंटी अंकल को सो so मैंने कहा आज आंटी कहती आज क्या बना रही हो? मैंने कहा आज पता नहीं मैं क्या बना रही हूँ मुझे भी ख़ुद नहीं पता मैं घर जाऊँगी तो मैं देखूँगी वैसे मैं सुबह चिकन स्ट्रिप्स निकाल के आई थी फ्रीज़र से कि वो डीफ्रॉस्ट हो जाए फ्रिज में रख के आई थी कि सारे दिन में वो डीफ्रॉस्ट हो जाएंगी तो शाम को कोई सैंडविच सैंडविच कोई इस तरह की चीज़ बना लेंगे लेकिन अभी पता नहीं है क्या बनाऊंगी हो सकता है पास्ता बनाओ हो सकता है कुछ और बनाओ मैंने कहा आप क्या कह रहे हैं कहते जी हम बना रहे हैं खिचड़ी मैं कहा लो आज मैं कहा इधर आ जाए मैं बनाती हूँ खाना आप लोग खाएँ यहाँ पे हमारे पास आके खाना सो मिल बैठ के खाएंगे इन्जॉय करेंगे सो खैर जी उन्होंने सरप्राइजिंगली हम ही भर ली और हम तो बड़े खुश होते हैं ना जब हमारे घर कोई आ रहा होता है ना तो हमें इन्नी को खुशी होती है कि मैं आपको बता नहीं सकती बिकॉज यूजली आपने देखा ही होगा डेली रूटीन मेरे घर पे बहुत कम कोई आता है अनलेसन अनटिल मैं किसी की कोई दावत करूँ या कोई ऐसी चीज़ तो अदरवाइज आई डोंट हैव गेस्ट कमिंग ओवर ऑल द टाइम हम ही गेस्ट बन के जो है ना अंकल आंटी की तरफ चले जाते हैं अब थोड़ा सा चेंज के लिए बट अदरवाइज हमारे घर इतने गेस्ट नहीं आते तो खैर जी कोज एक तो डेली रूटीन इतनी हेक्टिक होती है ना कि यहाँ पे किसी के पास इतना टाइम नहीं होता वीकेंड्स पे हर बंदे ने अपनी ग्रॉसरी अपने घर के काम अपनी सारी चीज़ें सो इतना टाइम किसी के पास होता ही नहीं है कि आप बगैर किसी वजह के जो है ना किसी के घर चले जाएँ जा के बैठ जाए बस वो एक हम ही हैं जो अंकल आंटी की तरफ चले जाते होते हैं बग़ैर सोचे समझे बिकॉज माँ बाप के घर जाने के लिए तो जी आपको वो कहते हैं ना किसी वजह की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए है जी मेरे पास ओनली टाइम था वन एंड हाफ आवर का सो so, मैं आयत को पिक करके आई थी घर तकरीबन हम लोग पहुँचे थे छः बजे सो so, सबसे पहले तो मैंने सोचा जी थोड़ा सा घर जो है ना जल्दी से क्लीन अप कर लें बिकॉज ओबियसली डेली मेरा यही था कि मैंने इस वीकेंड पे डीप क्लीनिंग करनी है सो so, इसलिए मैंने इस वीक में कोई इतनी ख़ास क्लीनिंग नहीं की थी सो so, uh, और मैं वैसे भी अपनी कबर्ड और ये सारी चीज़ें जो है ना सेट वगैरह कर रही थी सो so, उसके लिए जो है ना बड़ा ही हर जगह पे शॉपर शुपर ये वो गारबेज उसके अलावा जो डोनेशन में कपड़े डालने हैं वो सारी चीज़ें आयत के छोटे हुए हुए हैं कपड़े मेरे हुए हुए हैं लाइक से ऐसी चीज़ें पड़ी होती हैं बंदा रख 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 कहता है मैं कल पहन लूँगा मैं ये ज़रूर पहन लूँगा मैंने कहा जो जिन चीज़ों को मैंने साल से टच नहीं ना किया उनको उठा के मैंने डाल दिया डोनेशन में बिकॉज जब मैंने एक साल से उनको टच नहीं किया और मुझे उनकी याद नहीं ना आई तो अब आगे भी नहीं आनी इसलिए उठा के डालो डोनेशन में ताकि किसी के तो काम आए ना वो कहते हैं ना बजाय इसके कि वो गल सड़ के ज़ाया हो जाए तो कोई उसको पहन लेगा तो वही अच्छी बात है तो खैर जी वो सारी चीज़ें आगे पीछे की साइड पे सारा क्लीन अप किया सफाई की ब्रूम मारा गारबेज जाके बाहर गारबेज बिन में डाला और जो रिसाइकल था वो भी बाहर डाला क्योंकि उसके लिए लिएदा बिन होता है ये सारे काम किए हमने और उसके बाद आगे जी हम आके अपनी कुकिंग करने सो मेन्यू क्या है हमारा आज का मेन्यू है जी हमारा चने वाले पुलाव उसके अलावा मैंने बनाने थे आलू अंडे कोज एक दिन मैं अंकल आंटी के घर बैठी हुई तो मैं उनको बता रही हम आलू अंडे बड़े खाते हैं कोज मतलब कभी घर में कोई खाना पसंद ना ना आए तो हमारे घर क्विक सी चीज़ जो बनती होती थी वो आलू अंडे थे सो आंटी अंकल कहते हैं वो कैसे बनते हैं हमने कभी नहीं टेस्ट किए मैंने कहा मैं आपको कराऊंगी टेस्ट तो आज मैंने सोचा जी आज so, क्विक सा टाइम है सो क्विक टाइम में हम क्विक क्विक चीज़ें बनाते हैं सो so, चावल बनाए मैंने चावल मेरे अब इस टाइम आप देख लें दम पे चले गए आपने ऑब्वियसली प्रोसेस तो सारा देख ही लिया आलू अंडे मैंने उसके बाद आलू अंडे बनाए उसके साथ हम बनाएंगे जी अपनी चिकन स्ट्रिप्स जो हमने निकाल के रखी थी उनको मैं सिर्फ शैलो फ्राई करूँगी साथ हम बनाएंगे मीठा और साथ हम बनाएंगे रायता सो so, ये सारी चीज़ें आप देखते जाएँ बनती जा रही हैं सो so, आलू अंडे वॉज माई फेवरेट बिकॉज मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि मैं आलू अंडे बनाऊं लेकिन वो कहते हैं ना इंसान को अपने लिए बनाते हुए हमेशा जब अगर यहाँ पे मैं अकेली और मैं और आयत होते ना तो हमने सिर्फ वो चिकन स्ट्रिप्स बनानी थी उनके सैंडविच बना लेने थे या हमने सिर्फ एक राइस बना के और साथ रायता बना के खा लेना था मतलब ये इतनी सारी चीज़ें जो है ना जो मैंने आपको पूरा मेन्यू सुनाया ना ये मैंने कभी नहीं बनाना था क्योंकि अपने लिए हमारे पास मेहनत करने का टाइम ही नहीं है हम क्विक क्विक चीज़ें करते हैं वैसे भी मेरी कुकिंग बहुत क्विक होती है मैं अपने बचपन से मशहूर हूँ कि मेरे चावल पंद्रह मिनट में तैयार होते हैं और मैंने किए हुए भी हैं पंद्रह से बीस मिनट के अंदर मेरे चावल बिल्कुल रेडी डन अभी भी आपने देखा होगा कि चावलों को मैंने ऐसे ऐसे बनाया मैंने सिर्फ जो है ना उसमें साद ही प्याज़ डालती हूँ साद ही ज़ीरा उसके अलावा नमक वगैरह काली मिर्च डाल के जो कोई मैंने उसको हल्का सा फ्राई बहुत ज़्यादा नहीं करती मुझे वाइट वाइट राइस अच्छे लगते हैं जितना आप कम प्याज़ को ब्राउन करेंगे ना अगर आपको पिंक पिंक रहने देंगे तो आपके चावल भी वाइट बनेंगे मेरी मम्मी के इससे भी ज़्यादा वाइट बनते हैं पर उन जैसे मैं नहीं बना सकती लेकिन खैर जी थोड़ी सी तो वो कहते हैं ना थोड़ी सी कोशिश तो कर सकते हैं हम सो वो करती हूँ उसके बाद मैंने साथ ही चने डाले साथ ही राइस डाले साथ ही पानी डाला उसको उबलने दिया जब उबल गए उसके बाद हमने उसको साइड पर दम पर लगा के रख दिया साथ हमने आलू अंडे बनाए वो भी इनने छेती कि आपने देख ही लिए हैं और अब हम बना रहे हैं मीठा बिकॉज़ मीठे के बगैर मेरी और अंकल की जो है ना खाना हजम नहीं होता हमारा सो so, मीठे में आज हम क्या बना रहे हैं जो मैंने काफ़ी दिनों से ट्राई करने की कोशिश कर रही थी उसके लिए मैं ले कर भी आई थी क्रोसॉन्ट्स ले कर आई थी आपको मैंने बताया भी था कि मैं ले कर आई हुई हूँ सो so, आज हम बना रहे हैं जी उम अली, अली। उम अली उम अली उमा अली हैव वेरी डिफरेंट नेम्स इट इज़ एन इजिपशन डिजर्ट सो अब बहुत जल्दी बनती है मैं कहती हूँ घर में आपके एक रसॉन्ट पड़े हों दूध हो कस्टर्ड का पाउडर हो ये चीज़ें ना भी हों ना कंडेंसड मिल्क क्रीम ये चीज़ें ना भी हों खाली एक कस्टर्ड का पाउडर हो दूध हो और ये क्रसॉन्ट पड़े हुए हों क्रसॉन्ट नहीं है तो आप आ, कोई और चीज़ जैसे बाकरखानी वो मीठी वाली बाकरखानी नहीं हो जिसके ऊपर चीनी लगी हुई होती है वो आप यूज़ कर सकते हैं सो प्ले किया करें चीज़ों के साथ जो है ना घुमा फिरा के उनको बनाया करें मैं कोई चीज़ की सही वाली रेसिपी नहीं बनाती हूँ मैं हमेशा उसमें अपना टच ज़रूर डालती हूँ खैर जी ये तो हमारे पास क्रसान पड़े हुए थे तो वो देखे हम मैं उनको सिर्फ़ तोड़ के ट्रे में हमने ऐसे सीधा रखना है उधर मैंने दूध रखा है दूध में मैंने कंडेंस मिल्क डाला है और साथ क्रीम डाली है उसको हम बॉयल आने दें कोई चीनी नहीं सिर्फ इलायची डाली है मैंने कोई चीनी नहीं कोई कुछ नहीं इन क्रसॉन्ट्स के ऊपर मैं डालूँगी किशमिश थोड़ा सा क्या कहते हैं खोपरा और बादाम दैट्स इट सो so, गार्निश करेंगे हम बेसिकली बादामों से सो so, वो दूध जैसे ही उसको एक उबाला आ जाएगा ना अगर आप ये वाली तीनों चीज़ें नहीं डालना चाहते तो आप दूध में नॉर्मल जिस तरह आप कस्टर्ड बनाते हैं पर उस कस्टर्ड को थिक नहीं करना थोड़ा सा पतला पतला रखना है थोड़ी लिक्विड कंसिस्टेंसी हो एंड दैट्स इट एक दो बॉइल दे के उसको ज़्यादा थिक नहीं करने देना एंड दैट्स इट वो जैसे ही उबल जाएगा मेरे जो है ना थोड़ा सा मिसहैप हो गया था दूध थोड़ा सा गिर गया था इसलिए मैं एंड की रिकॉर्डिंग नहीं कर सकी कि जहाँ पे मैंने इसको इसके ऊपर डाला था सो तो बेसिकली हमने इसके ऊपर इसको पोर करना है सारा कवर करना है और उसके बाद इसको जो है ना थोड़ा सा कूल डाउन होने दें एंड देन आप इसको ओवन में रख दें ओवन में अगर आपने राइट अवे सर्व करना है तो आप टेन मिनट्स के लिए टेन टू फिफ्टीन मिनट्स के लिए थ्री फिफ्टी डिग्रीज़ पर कर ले। लेकिन मैंने चूंकि हमने खाना खाना था और उसके बाद मैंने सर्व करना था सो तो मैंने इसको टू ट्वेंटी के टू टेन पे रखा था और मैंने उसको ओवन में रख दिया था सो so, वो आहिस्ता 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 होता रहा साथ हम अपनी अब चिकन स्ट्रिप्स को मैं ग्रिल कर रही हूँ एंड that's how मेरा रायता ऑलरेडी रेडी हो चुका है वो आपने देखा नहीं है बिकॉज वो उसी में सहबे मेरा फ़ोन जो है ना बंद हो गया था और मैं पुल पुल आ गई थी खैर जी रायता मैं बड़ा क्विक सा बनाती हूँ उसमें भी मैंने प्याज डाला थोड़ा सा टमाटर डाला आधा सा टमाटर उसके बीज निकाल के मैं डालती हूँ ताकि ज़्यादा लिक्विड ही ना हो जाए उसके बाद मैंने खीरा डाला बीच में एंड दैट सेट ज़ीरा और काली मिर्च और नमक दैट्स ऑल दैट्स हाउ माई रायता इज मेड और धनिया सॉरी धनिया मैंने डाला है इसमें फ्रेश कोरिएंडर अंडर so, सो ये चीज़ें डाल के और ये खाना हमारा रेडी हो गया अंकल आंटी आ गए हम लोगों ने बड़े मज़े से खाना अपना इन्जॉय किया है अकेले खाना खाने का मज़ा नहीं आता मिल बैठ के खाना खाने का जो मज़ा आता है ना और जो इंजॉय करता है इंसान वो अकेले खा के नहीं आता तो so, हमारी तो समझे आज ईद थी और ये था जी हमारी डिज़र्ट इसकी फाइनल लुक आप देख लें ये बेक होने के बाद जो है उसके साथ हमने सर्व की मज़ेदार वाली आइसक्रीम हमारी फेवरेट वाली आइसक्रीम सो डू ट्राई दिस आइसक्रीम इफ यू आर इन कैनेडा ये आपको कॉस्को से भी मिल जाएगी और फ्रेशको से भी मिल जाएगी और फोर्टीनो से भी मिल जाएगी बड़ी अच्छी आइसक्रीम है डू डेफिनेटली ट्राई दिस खैर जी ये थी हमारी आज की शाम की रूटीन ऑफिस से आके अगर आपके घर पे कोई अचानक आ जाए तो ऐसे बनता है जी मज़ेदार खाना खाना अंकल आंटी ने बहुत इंजॉय किया है सो so, ये था जी हमारा आज का व्लॉग उम्मीद आपको पसंद आया होगा मुझे मेरी बेटी को अपने दो में याद रखेगा अपना अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखेगा मिलते हैं हम आपसे अपने अगले व्लॉग में टिल देन टेक केयर अल्ला हाफिज खुश रहिए खुशियाँ बांटिए अपने लिए नहीं दूसरों के लिए बिकॉज तो यही ज़िंदगी है यही करना चाहिए अपने लिए तो हर कोई जीता है दूसरों के लिए जी के देखें फिर देखें कितना सुकून आता है うん。<music>